अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। ये जितने भी सोम अम्बेडकरवादी मंच लगे यहाँ, और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बोध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था, जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश भारती जी, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। ये जितने भी सामाजिक लोग हैं, एकजुट होकर इस मूवमेंट को चलाएंगे। आपका बच्चा कोई पार्टी या संगठन बनाने नहीं आया है, और इस एकता की शुरुआत हम यही से करते हैं कि इस देश में जितने भी अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन है, वो सब लोग अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए एक साथ है, क्योंकि हम सबका अंतिम लक्ष्य इस देश की सत्ता को पाना है। और जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, जब तक हमारा भला नहीं होगा, मैं यहीं से इस एकता की शुरुआत। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कांसी माननीय काशीराम साहब का चेला हूँ। 1980 से जब मेरी 19-20 वर्ष की उम्र होती थी, तो उन्हीं से मैंने मिशन और मूवमेंट को सीखा है। और मैं अपने अभिषेक भैया को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। माननीय काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते खुद पे खुद निकल आते हैं। यदि तमन्ना आपकी ये है कि बहुजन मूवमेंट पे काम करने वाले लोग जागे, जाकर संगठित होकर एक साथ होकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चलाएं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी ये तमन्ना पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए मिशन दो प्रकार के होते हैं, और भाषण एक ही होता है। दोनों लोग एक ही भाषण देते हैं, और वो भाषण देते हैं कि मैं मिशन पूरा करना चाहता हूं। और मिशन दो प्रकार के होते हैं, दो माने एक स्वयं के लिए, एक समाज के लिए। अगर आपका मिशन सच्चा है, समाज के लिए है, तो बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ तोड़ कर भी रास्ता निकलेगा। मिसाल है जीनत मांझी, पहाड़ तोड़ के उसने रास्ता निकाल दिया था, अगर उसकी तमन्ना सच्ची थी। तो मैं आप सभी साथी, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और भैया को भरोसा दिलाता हूं कि आपके नेक काम में, आपके पवित्र काम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, धर्म प्रकाश भारती और धर्म प्रकाश भारती के सारे लोग रातों दिन 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।